जी आइए सहाय जी, नमस्कार। मुझे शनिवार वाली क्लास है, कब तक चलेंगे? ये 50 क्लास है। 50 सप्ताह,2 क्लास 2 घंटे 1 घंटे क्लास। मुझे कर दे ग्रुप फोटो, बुला लो बच्चे को, यहाँ आ जाओ बच्चे लोग। जो सिस्टम है नहीं, यहाँ गुरु जी वो मैडम बोली थी ना, एक बार फोटो क्लिक कर लेना, उसके बाद आ जाइए आप लोग, फोटो हो जाएगा। हैं बहुत है, फोटो बाद में कर लेंगे, बाद में। ठीक है सर, ठीक है, हाँ कोई नहीं, साथ में बाद में कर, कोई दिक्कत नहीं। ठाकुर जी, अपना रजिस्टर का फॉर्म भर दीजिए, अभी देता हूँ, फॉर्म करना, रजिस्टर देता हूँ। और ऐसे ना एक दूसरे को बढ़ा दीजिएगा पीछे। इधर कर देते हैं, अभी बाद में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी आपको ब्लैकबोर्ड की। हाँ हाँ, आ जाओ। बाद में कर हमारे पास डेट पूछी है, चॉकलेट थोड़े से और आगे करवा लीजिएगा, उसमें रिकॉर्डिंग बना बस ना, आ जाइए, आ रही है थोड़ा। ठीक है, और
आप आ गए हो? आप उसमें से आप इसमें कम परे का व्यवस्था हो जाएगी गुरुजी, कुर्सी रखा हूँ एक्स्ट्रा, अभी है कई कुर्सी का, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुर्सी अभी बाकी है। एक बार खड़े हो जाएं और गायत्री मंत्र 3 बार बोलें। वेद में आप लोगों ने इतनी रुचि दिखाई, तो मेरा अनुभव है पिछले लगभग 50 वर्षों का, तो मैंने यह अनुभव किया है कि वेद में रुचि तो बहुत है लोगों पर गति नहीं है, और गति इसलिए नहीं है
ये पठन पाठन में नहीं आ पाए। हमने इसे कर्मकांड का विषय मान लिया और ये सोचा कि वेद का उपयोग केवल पूजा पाठ के लिए होता है, कर्मकांड के लिए होता है, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग कर्मकांड से जुड़े नहीं थे उन्होंने वेद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझी। यद्यपि सृष्टि के आदि से बहुत लंबे समय तक वेद पर बहुत काम हुआ, वैदिक संहिताओं के बाद ही वेद पर अनुसंधान कार्य शुरू हो गया, जो आपको और लेक्चर्स में सुनने को मिलेगा। मुख्य रूप से उसमें ब्राह्मण ग्रंथ, जो वेद के पहले व्याख्या ग्रंथ थे, वो रचे गए। उसके बाद उसका आध्यात्म पक्ष जो आरण्यक ग्रंथों में है उनकी रचना हुई। इसके बाद वेद को और विस्तार से समझने के लिए वेदांगों का निर्माण हुआ। जब हम बहुत विस्तार से किसी चीज़ को जानना चाहते हैं तो प्रत्येक स्टेप, एक एक बिंदु पर उसकी चर्चा करते हैं। जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं सारे संसार में गीता की बड़ी चर्चा है। अब मैनेजमेंट में, साइकोलॉजिकल कोर्स में, फिलोसफिकल कोर्स में, सब जगह गीता का उल्लेख होता है, क्योंकि जब हम उसके विषय में जानना चाहते हैं तो उसके तमाम पहलुओं को अलग अलग रूप में देखते हैं। इसी प्रकार से वेदांगों ने वेद को बहुत सूक्ष्मता से देखा। इसका एक वेदांग मैं आपके सामने चर्चा करूंगा अगले व्याख्यानों में। मेरे हिस्से में व्याकरण आया। तो व्याकरण कितना सहायक है वेद को समझने में, इसकी चर्चा हम उस व्याख्यान में करेंगे। तो उसके बाद वेदांग के बाद मोबाइल बंद कर दो भैया सब, कोई मैं भी अपना बंद कर देता हूँ। उपांगों की चर्चा हुई। उपांग का मतलब होता है षड दर्शन। हमारे यहाँ जो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत और मीमांसा, ये जो छह दर्शन हैं ये वेद के उपांग हैं। जितने भी फिलोसफियाँ, जितने भी दार्शनिक विचारधाराएं हमारे देश में उपलब्ध हैं, नास्तिक विचारधारा को, दर्शन को छोड़कर, उन सभी का मूल वेद में विद्यमान है। उस पर भी आपको बहुत विस्तार से चर्चा सुनने को मिलेगी। जो मेरा विषय है वह है वेद के दो देवताओं का उल्लेख। एक है अग्नि और दूसरा है इंद्र। तो हम अग्नि से शुरुआत करते हैं। वेद का, चारों वेदों का सबसे पहला शब्द ही अग्नि है। पहला ही मंत्र वेद का, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत वेद पढ़ा है, जो मेरे पास अध्ययन कर रहे हैं या जिन्होंने एमए वगैरह में अध्ययन किया है, उन लोगों को ये मंत्र तो पता ही होगा। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातम। मैं लिख भी देता हूँ आपको, लिखने में थोड़ी
आइए। हाँ बिल्कुल आइए, स्वागत है। ये चारों वेदों का पहला मंत्र है, यानी ऋग्वेद का पहला मंत्र है। अभी तो सीते हैं सारी। और पहली सीट वाले थोड़े संदर्भ हो जाएगी तो उनको लिखने में सुविधा हो जाएगी। एक साइड से थोड़ी थोड़ी सीट को ऐसे कर लें और ज्यादा लोग हो जाए मैं फर्ज डाल। संभावना थोड़ी कम है लेकिन फिर इस मंत्र में आप देख रहे हैं पहला ही शब्द है अग्नि, यानी वेद का पहला शब्द है। शब्द की दृष्टि के अलावा हमारे यहां मंत्र को समझने के लिए तीन चीजें आवश्यक है। एक है उस मंत्र का देवता, तो इस मंत्र का देवता भी अग्नि है। ये देवता क्या होता है? तो आम तौर पर हमारे हिंदू समाज में जब देवता के कंसेप्ट की बात आती है तो हम लोग सोचते हैं मंदिर में जो मूर्ति रखी है वो किसी देवता की है, या ऐसा ही कुछ देवता होगा होता होगा, ऐसा मन में एक धारणा हमारी बैठती है। इसलिए वेद मंदिर को देव मंदिर बोलते हैं। मैंने एक बार कहीं लेक्चर में गया था तो मैंने बच्चों से पूछा, वहाँ नौजवान बहुत थे, मैं कहा बच्चों आप बताओ कि आपने कभी देवता के दर्शन किए हैं? तो बच्चे कहने लगे कि हाँ, कहाँ किए? बोले मंदिर में। तो कौन से देवता के किए? बोले ब्रह्मा के किए, विष्णु के किए, महेश के किए। हम कहते बोले ब्रह्मा के तो मंदिर बहुत कम है, उसका दर्शन तो नहीं हुआ होगा। विष्णु के मंदिर भी इतने ज्यादा नहीं है पर महेश के मंदिर बहुत। अगला सवाल मैंने उनसे किया, चलो तुमने नहीं भी देखे तो कभी महेश से जिस मंदिर में आप गए बातचीत हुई? तो बच्चों ने कहा कि देवता से बात तो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बोले वो तो देवता की मूर्ति थी, बात कैसे करती? तो उनका देवता मूर्तिमान होता है ये तो ठीक है, लेकिन देवता मूर्ति रूप होता है ऐसा नहीं। देवता शब्द का अर्थ हमने जड़ वस्तु के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन जड़ और चेतन दोनों के लिए प्रयोग होता है। क्योंकि देवता की जो परिभाषा हमारे शास्त्रों में है वो दानादवा, दीपनादवा, ज्योतनाद्वा, द्विस्थानुभवति दिवा देव। आइए आइए, क्या बात है।
देवता में ये बातें चार होने जरूरी है। एक जो दानास सी डॉट का ये भी दे दीजिए, ये भी कुर्सी दे दीजिए, और ये भी ले लीजिए, हम लोग खड़े हो जाएंगे। दानाद वा दीपनाद वा द्योतनाद वा द्यू स्थानो भवति। दो तो ये हो गई। अरे इसमें देखो गेस्ट जो ये कुर्सियां में ले लो, तो संभावना कम नहीं होगा। भवती 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 पीछे कर, भवती बता बता पीछे कर देंगे तो दिखने लगेगा। पीछे से हो जाएगा जो लेकिन उसे कई बार आपके सामने स्पष्ट करेंगे चिंता मत करिएगा। अभी अभी रहने देते हैं, वो जस्ट लैग पीछे करनी है। अच्छा चलो करो, मुझे नहीं आता, नहीं वो थोड़ा सा वैसे ज्यादा सेट था वैसे। चलिए जैसे आप, कोई नहीं देख लेंगे, फिर नीचे कर इतना तो चलिए। तो देव का मतलब है भवती इतिबा, भवती इतिबा जिसमें देने की सामर्थ्य है। देव का पहला गुण है देने की वृत्ति, इसलिए हमारे यहाँ जो प्रकृति के पदार्थ है और चेतन तत्व है दोनों में ये परिभाषा घटती है। जो चेतन देवता है उनका डिवीजन करते हुए कहा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मोटे तौर पर अगर हम चेतन देवताओं की का वर्गीकरण करें तो चार रूपों में वो विभक्त है, माता पिता आचार्य और अतिथि। और जड़ देवता तो बहुत है, और कोई जैसे हमारे हिंदुओं में प्रथा चली ना 33 कोटि देवता, तो ऐसे समझ लीजिए आप, हर वृक्ष देव है, हर नदी देव है, प्रकृति सूर्य देव है, चंद्र देव है, वेद में तो मंत्र है पूरा, अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, विश्व देवा देवता। जो लोग कर्मकांड करते हैं वो लोग इस मंत्र का पाठ करते हैं। तो ये दो डिवीजन हो गए देवता, एक जड़ और एक चेतन। दोनों देवता दोनों देने की सामर्थ्य है, परंतु जब हम केवल जड़ पदार्थ को ही देवता के रूप में देखते हैं तब हम उसके साथ अपना जो तारतम्य है, अपना जो संबंध है वो नहीं बिठा पाते। इसलिए हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, एक और चाहिए और है तो ले लो। नहीं खड़े तो करते हैं आपके तो। अग्नि एक देव है, ये कैसा देव है? जड़ के चेतन ये जड़ देवता है, परंतु देवत्व तो इसमें है क्योंकि अग्नि हमें बहुत कुछ देता है। अगर आप लोग स्वयं मेरी बात का बहुत अच्छा उत्तर दे सकते हैं, अग्नि क्या क्या देता है? उष्णता, अग्नि हमें उष्णता देता है, ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, प्रकाश। आप लोग थोड़ा बांट बांट के बोलिएगा, अग्नि हमको प्रकाश देता है,
ये मोटी मोटी कुछ चीजें हैं, फिर इसके बाद हम वेद के मंत्र पर विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे वो देवता है। परंतु जब मंत्र पर देवता का उल्लेख होता है तब वो उसका विषय होता है। क्या होता है? देवता मंत्र का विषय होता है। तो मान लो ये जो मंत्र हमारे सामने लिखा हुआ अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञ सदैव मृत्युजम होतारम रत्न धातम, इस मंत्र का देवता क्या है? अग्नि है। तो इस मंत्र का विषय क्या है? अग्नि। जितने वेद का जो डिवीजन है वो तो मैडम आपको विस्तार में बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ऋग्वेद 10 मंडलों में, 1028 सूक्तों में और 10552 मंत्रों में विभक्त है। हाँ मैडम को मेरी कुर्सी ले लो, आप इधर आ जाओ। अब हमको हॉल बुक करना पड़ेगा लगता है, संख्या इस तरह रही तो थोड़ी और बड़ा कमरा लेंगे, उसमें थोड़ी कठिनाई ये होती है कि उनके बहुत से प्रोग्राम होते हैं। लेकिन उम्मीद ये पता नहीं था कि कितने लोग आएंगे, कितनी रुचि वेद में होगी। शानदार चल रहे, हाँ वही समस्या होगी। तो इस मंत्र का जो देवता है वो क्या है? अग्नि है। और वही इस मंत्र का क्या है? विषय है। तो मैं बता रहा था कि ऋग्वेद जो है उसका अगर हम डिवीजन करें तो वो 10 मंडलों में, 1028 सूक्तों में और 10552 मंत्रों में विभक्त है। एक सूक्त में लगभग एक देवता का यानी एक विषय का वर्णन होता है। अग्नि सूक्त है तो उस सूक्त का जो देवता है वो अग्नि है और वही उसका क्या है? विषय है। सूक्त कितने में? 1028 और 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं। और सूचना के लिए भी आपको बीच में बता देता हूँ, हमारी वेद की क्लासें ऑलरेडी चल रही हैं पिछले 1.5 साल से, उसमें एक बैच हमारा निकल गया, उसमें बहुत विस्तार से चर्चा होती है। कुछ सूक्त हमने पाठ्यक्रम उसका निर्धारित किया हुआ है। ये तो एक है वेद फॉर ऑल, एक जनरल इंट्रोडक्शन हम वेद का दे रहे हैं, वहाँ हम जनरल के साथ विशेष जानकारी देते हैं। जैसे अग्नि सूक्त हुआ तो पूरे अग्नि सूक्त की चर्चा करेंगे, इंद्र सूक्त है पूरे इंद्र सूक्त के जितने मंत्र हैं उनकी चर्चा करेंगे। पर हमने प्रतिनिधि सूक्त रखे क्योंकि ऋग्वेद में 200 अग्नि के सूक्त हैं और 250 इंद्र के सूक्त हैं। इन तमाम सूक्तों में विविध शक्तियों का वर्णन है। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे थे अग्नि की, तो जो देवता जब लिखा है उसके ऊपर तो देवता क्या है? उस मंत्र का विषय है। एक और चीज लिखी होती है ऋषि। आप जब वेद खोलकर देखेंगे, वेद आप पर है या नहीं है तो आप खरीद लीजिएगा, नहीं तो एक एक पुस्तक, हमने तिवारी जी को भी इसलिए बुलाया, कहाँ गए तिवारी जी? निकल गए। उनको इसलिए बुलाया है कि आप लोग जो पुस्तक की डिमांड करेंगे वो आपको प्रोवाइड करेंगे यहीं पर वेद की क्लास में। तो शुरू में बहुत बड़ी पुस्तकें रखने की जरूरत नहीं है, चारों वेद रखने की जरूरत नहीं है। जितना जितनी चर्चा आपको यहाँ होगी, जो विषय आपके हमने दिए हैं उन तमाम विषयों को इसमें कवर किया जाए, ऐसी पुस्तकें भी हैं। तो वो पुस्तकें आप थोड़ा सा स्वाध्याय करेंगे, फिर अगर उसमें कोई शंका आती है तो उसकी निवृत्ति यहाँ क्लास में होगी। तो ये अग्नि देवता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस अग्नि का बड़ा व्यापक स्वरूप है। लौकिक शब्द में और वैदिक शब्द में एक फर्क है। एक फर्क यह है कि लौकिक शब्द का अर्थ निर्धारित होता है और एक होता है, उसमें कोश तय कर देगा भाई ये अर्थ है, इन इन प्रसंगों में इसका प्रयोग होता है।
लेकिन वेद में अनेकता होती है। स्थान की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, वस्तु की शक्ति की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से उसकी बहुत व्यापकता होती है। उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। यही जो अग्नि शब्द है ये तीन स्थानीय है ब्रह्मांड में और तीन स्थानीय है पिंड में और व्यापक भी है। अनेकता का मतलब ये होता है। अब जरा विचार करके देखेगा द्यु स्थानीय अग्नि क्या है। तो जो लोग वेद की क्लास में मेरे पास आते हैं, आई अरे क्या बात है, अब आपके जल्दी आना पड़ेगा इस बार क्लास में। जी जी आपको जो देखो किसी क्लास से देखो अभी मंगा रहे कुर्सी आप लोगों के लिए अभी मंगा रहे। तो उसमें हमने बताया है, अब राजीव शर्मा जी आए, इन्होंने उसका अध्ययन किया है और जो हमारे कुछ प्रोफेसर्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स हैं उनको इसका अच्छी तरह से ज्ञान है। द्यु स्थानीय अग्नि है सूर्य। अब थोड़ा तो मिक्स मिक्स करना पड़ेगा। मंगा रहे हो ऐसे एक आगे कर लेंगे क्लास। ठाकुर जी गए चेयर लेने के लिए। तो हमारे यहाँ पहले आओ पहले पाओ वाला सिद्धांत है। तो चलिए तब तक सुनिए। तो अग्नि जो द्यु स्थानीय अग्नि उसका नाम क्या है? सूर्य। तो सूर्य भी अग्नि है। अंतरिक्ष स्थानीय अग्नि है वो है विद्युत। क्या है? बिजली। ये जो हम वायर्स में तो बहुत हो गए ऐसा करो ठाकुर जी क्या यहाँ ऐसे चार पांच मोबाइल आज सर में डिपार्टमेंट भी सारे बंद है ना तो कहीं कहीं से जो पन्नियों को बढ़ा रहे ऐसे क्लोज कर लेंगे तो दो में तीन हो जाएंगे। असल में इतनी उम्मीद नहीं थी कि हाजिरी इतनी होगी। सोच रहे तो 20-30 लोग होंगे। ये तो प्रसन्नता का विषय है कि बहुत प्रसन्नता का विषय है। और ऐसा है ना आपकी अप्रसन्नता का विषय ना हो जाए उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि हमने ही आपका समय लिया है। ऐसा नहीं है। वो बनी बात है। नहीं तो आप लोग बात यह है कि अनुमान ही तो किया जाता है। जब कोई प्रोडक्शन होता है कोई चीज आरंभ होती है तो उसका जो एक अनुमान था वो ये था कि अब तक जितनी क्लास है या लगी है तो ये कमरा पर्याप्त हो गया। इस बार वेद के विषय में उत्साह देखकर बड़ी प्रसन्नता है। तो जो अंतरिक्ष स्थानीय अग्नि है उसका नाम क्या है? विद्युत। और इसी तरह से पृथ्वी स्थानीय अग्नि है। पृथ्वी स्थानीय अग्नि का मतलब है आग, फायर। अब जब हम अग्नि मेडे पुरोहितम कहते हैं तो हम द्यु स्थान, अंतरिक्ष स्थान और पृथ्वी स्थान तीनों प्रकार की अग्नि को ईडे मानी स्तुति करता हूं। उस तीनों प्रकार की स्तुति की अग्नि की बात है। ये तो ब्रह्मांड की अग्नि की बात है। इसके साथ पिंड की अग्नि है, ये हमारा द्यूलोक है।
हमारा जो ये भाग है इसका नाम क्या है? द्युलोक है। ये जो मस्तिष्क है ये अग्नि स्वरूप है, इसलिए शास्त्र में कहा गया वाग वही अग्नि। जो वाणी है हमारा, जब टेम्परेचर डॉक्टर ढूंढता है तो कहाँ लगाता है थर्मामीटर? मुख में लगाता है, वो देख लेता है कि कितनी आग है, कितना टेम्परेचर है, कितनी ऊर्जा है अंदर। कभी अगर वो औसत से ऊपर चली जाए तो भी खतरा रहता है, और से नीचे चली जाए तो भी, यानी अग्नि का संतुलन आवश्यक है। तो पिंड में एक ये अग्नि है, हम जिसे इनमें से किसी एक को प्रतिनिधि कर सकते हैं, बुद्धि को, वाणी को, और एक अंतरिक्ष स्थानीय अग्नि है हृदय की। उस हृदय की अग्नि में जो अग्नि काम करती है उसका नाम है प्राण। और एक अग्नि फिर थोड़ा सा यहां आ जाती है, उसे कहते हैं जठराग्नि। क्या कहते हैं? उदर की अग्नि। जठर कहते हैं उदर को, पेट को, डाइजेस्टिव फायर। जी, ये पचाने वाली जो अग्नि है, शर्मा जी उसको बता रहे हैं, डाइजेस्टिव फायर जो है, जो भोजन भूख के रूप में आपको महसूस होती है, और वो जब प्रदीप्त होती है और उसका सामान नहीं मिलता तो हमारे यहाँ कहावत है बुभुक्षितः किम न करोति पापं। भूखा आदमी कौन सा पाप करने को तैयार नहीं होता, जो काम उसने नहीं किया वो भी करने को तैयार हो जाता है, ऐसा बहुत दुनिया में देखने में आया है। तो इसका मतलब ये जो तीन प्रकार की ब्रह्मांड की अग्नि आई है, और तीनों प्रकार की पिंड की अग्नि, आज हमें थोड़ा अनुमान हो जाएगा, उससे और 10 चेयर एक्स्ट्रा डालेंगे, अगली बार व्यवस्था करेंगे कुछ ऐसी। बहुत सीनियर सिटीजन, उनको दे दो, बच्चे लोग सीट थोड़ी, आज सारे डिपार्टमेंट भी तो बंद है। जाना नहीं है, रहना ही है। आइए बन जी, आप पढ़ जाइए। हालांकि लिखने के लिए बहुत आवश्यक है थोड़ी स्थान होना, वो कर रहे हैं ठाकुर जी इधर उधर से जुगाड़ कर रहे हैं, नहीं तो कोई क्लास की व्यवस्था देखेंगे। तो इस अग्नि शक्ति के, इस देवता के कितने विषय हो गए? बुद्धि इसका विषय हो गया, हृदय उसका विषय हो गया, जठर उसका विषय हो गया, जिसमें फिर इस अग्नि को शांत करने वाला जो पदार्थ है, वो जो आहुति है, वो कितने प्रकार की हो, तो आप लोग महसूस करते हैं कि फिर आयुर्वेद शास्त्र के पास जाना पड़ता है, वो आपको बताता है हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। ये जो जठराग्नि है इसको व्यवस्थित करने के लिए तीन बातों का नियम आवश्यक है। हित, क्या बात, अब भी आप सही काम किया, अपने डिपार्टमेंट में रहिए। शर्मा जी आ जाओ, हो जाएगा यहाँ का, मैं समझ गया, हो गया, क्या बात है। एक कुर्सी और ले लीजिए पीछे। अब ये कुर्सी है आगे, आ जाओ शर्मा जी, आप आ जाओ। हो गए एडजस्ट, हो गए, वो तो ये वाली बात हो गई, जब कहना हाउसफुल हो गया, अब टिकट संभव नहीं। तो आपने देखा पिंड की अग्नि, उसकी भी स्तुति है, उसके गुणों का वर्णन है देवता का, और जो ब्रह्मांड की अग्नि है उसका भी वर्णन है। अब ये तो इसका पक्ष हो गया भौतिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष।
अब इसका अध्यात्म पक्ष देखते हैं। ये जो आपने तीन स्तुति बताई ना उधर अग्नि, ये थोड़ा अच्छा तो उधर की अग्नि तो बड़ी जरूरी है ना, तो उसमें जो जठराग्नि है उसको व्यवस्थित रखने के लिए जो भोजन है उसके नियम हैं, हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। हितकारी खाना है, केवल स्वाद के हिसाब से नहीं खाना। अब वो ये हमारे समाज में थोड़ी अब बड़ी अव्यवस्था हो गई। पहले क्या होता था कि वानप्रस्थी का जगह अलग थी रहने की, गृहस्थ की अलग थी, ब्रह्मचारी की अलग थी, और गृहस्थ की, वानप्रस्थ की और सन्यासी की अलग थी, सबकी अलग अलग जगह थी। तो सबका भोजन भी अलग था, भोजन अलग था, तो जहाँ सन्यासी हैं उनको सन्यासियों वाला बड़ी उम्र वाला भोजन बनना है। अब तो क्या है, जो सन्यासी की उम्र का व्यक्ति है और जो वानप्रस्थ की उम्र का व्यक्ति है और जो गृहस्थी है और जो ब्रह्मचारी है, वो सब एक ही जगह रह रहे हैं। अब जो 60 साल से बड़ी उम्र का व्यक्ति है उसके लिए तो चाहिए लौकी, तोरई, मूंग की दाल, मसूर की दाल, और जो 20 साल का नौजवान है उसको चाहिए उड़द की दाल, कटहल, चने के, हाँ, राजमा, राजमा बना सके। अब दोनों एक जगह रह रहे, 60 का और 8 का दोनों जब एक जगह हैं तब बड़ी प्रॉब्लम है। और इसलिए घर में यही एक कलह का कारण है कि उसका हितकारी भोजन अलग है और इसका हितकारी भोजन अलग है। अब पत्नी किसके लिए बनाएगी, तो भैया जो शक्तिशाली है उसकी चलेगी, है ना। लड़का लोग, बहू लोग जो बोलेगा ये बनेगा तो वही बनेगा, तो कहते थोड़ी सी मुझे अभी दे दे। और रिजल्ट ये होगा कि वो सोचेगा यार इस नरक से मैं कहाँ जाऊँ निकल कर, नरक है नहीं वो, उन नौजवानों के लिए वो भोजन क्या है, अमृत है, शक्ति का मूल है। लेकिन बावजूद इसके जो वृद्ध व्यक्ति है वो घुटन महसूस करने लगता है। इसलिए हमारे यहाँ व्यवस्थाएं थी, ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहेगा तो गुरुकुल में जो ब्रह्मचारी है उनका भोजन एक होगा सबका, जो गृहस्थ है वो अपना अटपटा चटपटा जैसा भी खाओ। लेकिन अब सबके लिए एक जैसा होना बहुत कठिन काम होता है, इसलिए हमारे यहाँ नियम बना दिया कि आपको हितकारी करना है और सीमित करना है। सीमित का नियम यह है, सांडिल्य उपनिषद में भोजन के नियम लिखे हैं, वहां मैंने लिखा पढ़ा था चतुर्थान सम विहाय भोक्तव्य। जितनी हमारी भूख है, मान लो हमारी भूख पूरी तरह मिटती है 6 चपातियों में, तो आपको 5 चपाती ही खानी है, 4 में मिटती है तो 3 ही खानी है, 1 की जगह खाली रखना, तो आपको चैन की नींद आएगी। उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक योग लिखा है, उस योग का नाम है दुख हा योग। क्या नाम है आपने सुना नहीं, दुख आप लोग बोलोगे तो आपका दुख हरेगा ना, ना मेरे ही हर जाएगा, बाकी आप हर जाएगा। दुख हा योग, कौन सा ये पढ़ा कभी गीता में आपने, नहीं पढ़ा ना, देखो यही तो बात है, इस पे लिख दूंगा, इस पे क्या क्या लिखूंगा, दुख हा योग वो लिख दे, क्या जरूरत होगी वहां, चलिए जगह भी नीचे है। हाँ हाँ हाँ, किसने बोला शर्मा जी, आपका क्या जवाब है,
योगो भवति दुःखः, वो योग दुःखः योग होता है जिसमें युक्त आहार, आहार योग के अनुकूल हो। योग के अनुकूल का मतलब है ठीक से नींद आए, ठीक समय से उठ पाए। अगर नाक तक ठूस लेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, रात भर खड़बड़ पड़ जाएगी, है ना। तो पत्नी से कहेंगे, भाई से कहेंगे, बहन से कहेंगे, माँ से कहेंगे, अम्मा को चूरन दे दे, समझे, बहुत गड़बड़ हो गया, ज़्यादा खा जाए। और हमारे यहाँ तो आपने देखा है शादियों में जब लोग भोजन करते हैं तब वो कौन सा सिद्धांत अपनाते हैं, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, है ना, ये माल फिर कहाँ मिलेगा। तो प्लेट लेके ऐसे दौड़ते हैं पूछो मत, फिर चाहे किसी की साड़ी खराब हो, चाहे किसी का पैंट खराब हो, वो दवा दवा दब खींचते हैं। तो युक्त आहार विहार, युक्त विहार, ये युक्त शब्द सब में लगे, योग के अनुकूल विहार। आज जब हम 40 साल क्रॉस कर लेते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको एक ही बात कहता है, आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, कहते नहीं तो बस मॉर्निंग वॉक शुरू करो, ये दवाई ले लो, तो मालूम है उसको जो बीपी हाई हो गया है थोड़ा सा, उसको कंट्रोल करने का सबसे बड़ा उपाय क्या है, विहार है। परंतु हम सुनते तो जरूर हैं, डॉक्टर मान भी लेते हैं, कहते दवाई खाली का खत्म हो गया, लेकिन वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है जब तक आप विहार शुरू नहीं करें। तो युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त कर्म से चेष्टसु, और युक्त कर्मों में, कर्म में जो चेष्टा है, कर्मसु चेष्टसु, कर्म में जो चेष्टा वो कैसी हो, योग के अनुकूल हो। ऐसा भी नहीं है कि रात को 2-2 बजे तक काम से आ रहे हैं, है ना, रात के 2-2 बजे उठकर जा रहे हैं। आजकल तो आपको पता ही है स्थिति कि बीमारियां सबके पॉकेट में है, है ना, ये ऐसा हथियार है जितना घातक ये शस्त्र है उतना शायद दुनिया में आज तक नहीं बना, है ना, और हर एक की जेब में, हर एक की जेब में घातक हथियार हाथ में, हाँ वो है। और इसके अलावा वो दबा के यहाँ से शुरू काटना शुरू कर रहा है अपने आप, है ना, इसमें इतना सारा माल है कि हर वक्त 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। आपको ये बता दूं आजकल डॉक्टर्स के पास ये 70% केस जा रहे हैं ऐसे। गुरु जी 2 दिन पहले अभी 3 साल की बच्ची को बरेली में सिर्फ मोबाइल छुड़वाने के लिए एडमिट किया गया और उसको वहाँ बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुलाया गया जिससे कि वो मोबाइल एक दिन के लिए तो भूल जाए। इसलिए युक्त कर्मस्य चेष्टसु युक्त स्वप्ना बोधस्य, उसमें अपने आप व्याख्या कर दी, नींद ठीक आए, ठीक समय से जगे, उसी का नाम क्या है, दुखा योग है। देखो रामदेव ने क्या किया, जो पतंजलि वाला योग था उसमें से उसने सारे योग निकाल के गीता का अध्ययन करके ये दुखा योग निकाल लिया, हैं ऐसे तंग करो क्या हो जाएगा, पैर का दर्द बंद हो जाएगा, ऐसे हाथ करो। तो ये जो कोई भी ये बताते हैं शर्मा जी मेरे कभी कभी क्लास में, जो टॉक्सिस होते हैं टॉक्सिस, वो वही बीमारी के लक्षण है। तो जब आपका शरीर गतिशील रहता है तो वो टॉक्सिस जो गंदे टॉक्सिस हैं वो इकट्ठे नहीं होते और बड़ी बीमारियां जो हैं उनका खतरा कम हो जाता है। तो ये मैंने आपको चर्चा की कि हितभुक मितभुक और कुछ लोग तो अच्छे विद्वान हैं, ऋतु के अनुकूल भोजन, हर ऋतु में हर भोजन नहीं करना, है ना। अब लोग सर्दियों में कैंपा कोला पी रहे हैं, आइसक्रीम खींच रहे, हो सकता है उस वक्त आपको कोई हानि नहीं हुई हो लेकिन कालांतर में वो नुकसानदेह हो सकता है। और जून जून के महीने में अरहर की दाल खाएंगे तो पानी पी पी के परेशान हो जाएंगे। तो ऋतु के अनुकूल भोजन हो, परमात्मा ने सृष्टि में ऋतु के अनुकूल फल हैं, ऋतु के अनुकूल अन्न हैं, वो सब बनाए हैं उस हिसाब से। तो अग्निम ईडे में हम अभी जठर की अग्नि की चर्चा कर रहे थे, है ना, ऐसे ही हृदय की अग्नि है, इसका थोड़ा सा विश्लेषण कर दूं। अगर कोई और रोग सबसे खतरनाक है कैंसर के अलावा तो उसका नाम क्या है, हार्ट का रोग। और हार्ट का रोग क्यों बनता है उसकी ये घटना सुनाता हूँ आपको। शहर का व्यक्ति ये कहे कि मैं हार्ट पेशेंट नहीं होऊंगा तो भगवान की कृपा ही समझिए उस पर, नहीं तो 100% हम पूरी दवाई ले रहे हैं हार्ट की बीमारी पैदा करने की। हार्ट को ठीक चलने के लिए क्या चीज चाहिए, सबसे पहले प्राण श्वास, बढ़िया,
है ना ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन में ही हमारे यहाँ घाटा है। घाटा हमारी वजह से ही है, कोई और जानवरों ने, पक्षियों ने, दूसरे जीवों ने नहीं किया है, हमने खुद ही किया है। ये जितना प्रदूषण है ये मनुष्य का किया हुआ है, जो हमारी जो हृदय की अग्नि है उस अग्नि को अव्यवस्थित कर रहा है। तो हम स्वच्छ प्राण की एक व्यवस्था को अगर पढ़े हम, तो इतना महत्वपूर्ण है ये अग्नि, प्राण अग्नि जो है इतनी महत्वपूर्ण है कि उपनिषद में कथा ने गाता है वो सुना देता हूं। एक बार सारे देवताओं में संघर्ष हो गया, संघर्ष इस बात पर हो गया कि अहम श्रेष्ठ, अहम श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ हूं और मैं श्रेष्ठ। आंख ने कहा, आंख भी देवता है, कहते ना आपको, क्योंकि यह हमको चीजें दिखाता है। तो आंख ने कहा कि मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरे बिना तो आदमी क्या है, अंधा है। कान ने कहा कि नहीं, मेरे में महत्वपूर्ण हूं, बोले क्योंकि मेरे बिना बहरा है। क्या आरी साहब बोल रहे हैं, वो तो कुछ पता चलेगा नहीं, कान नहीं है तो। रसना ने कहा, तुम दोनों बेकार बात करते हो, मैं सबसे मुख्य हूं, अगर मैं न हूं तो तुम में और ऊंट में और तुम में और जानवर में कोई फर्क, अगर ऊंट को प्यास लगे तो भी बल 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 करेगा और भूख लगे तो भी बल 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 करेगा, यानी उस पर एक ही शब्द है, हर सुख की दुख की अभिव्यक्ति उसी से करेगा। लेकिन मनुष्य के पास वाणी है, हाँ ऐसी अद्भुत है, सारे कोश के शब्द भी पर्याप्त नहीं है, पर नए गढ़ लेगा। तो ये जो वाणी है उसने कहा मैं मुख्य हूं, ऐसे ही सब देवताओं ने कहा, और लड़ते लड़ते वो पहुंच गए बृहस्पति के पास, देवताओं के गुरु के पास। कहले कि प्रभु हमें तो लड़ाई हो गई। बोले किस बात की, बोले हम में कौन श्रेष्ठ है ये निर्णय नहीं हो पा रहा है। कान कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, वाणी कहती है मैं श्रेष्ठ हूँ, आंख कहती है मैं श्रेष्ठ हूँ, हाथ कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, पैर कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, तो सब इंद्रियां झगड़ गई हैं। अब आप ही बताओ, क्योंकि आप हमारे गुरु हो, आप जिसको श्रेष्ठ बता दोगे वही श्रेष्ठ है। बोले मेरे बताने से तो पक्षपात हो जाए, देखो जिसके बिना काम न चले दुनिया में वही सर्वश्रेष्ठ है। तब उन्होंने कहा तुम एक काम करो, शरीर से निकल करके एक एक साल के लिए चले जाओ। तो आंख चली, आंख चली गई और एक साल बाद लौट के आई। तब उसने पूछा देवताओं से कि मेरे बिना तुम कैसे जिए, तब उन्होंने कहा जैसे अंधा जीता है, अंधा जी तो सकता है ना। उसके बाद कान चला गया, कान ने पूछा तुम कैसे जिए, बोले जैसे बहरा जीता है। फिर वाणी चली गई, बोले मेरे बिना कैसे जिए, बोले जैसे गूंगा जीता है। फिर मन चला गया तो बोले तुम कैसे जिए, बोले जैसे बच्चा जीता। ऐसे सब चले गए और बाद में प्राण कहने लगे अच्छा जी तो हम भी चलते एक साल के लिए, आप सब हो जाए सर कर आए हम भी चलते। जब प्राण चले तो सारी इंद्रियां व्यथित हो गई, कहने लगे हम समझ गए सर्वश्रेष्ठ कौन है। ये जो अंतरिक्ष स्थानीय अग्नि है जैसे हम प्राण कहते हैं, ये अगर व्यवस्थित नहीं है तो जीवन व्यवस्थित बोलो कोई नहीं सकता, नहीं। इसलिए ये जो अंतरिक्ष स्थानीय अग्नि है उसकी भी आराधना बहुत अपेक्षित है, उसका संतुलन बहुत अपेक्षित है। अब ये ऊपर की अग्नि है, इसका नाम क्या है, द्विस्थानीय अग्नि। ये जो मस्तिष्क है ये द्विस्थानीय अग्नि है, इसमें तमाम यंत्र लगे। ये चक्षो सूर्यो अजायत, हमारे यहाँ तो सबका संतुलन बिठा के रखा है, अगर वहां सूर्य है तो यहाँ क्या है, चक्षु है। सूर्य के बिना कुछ दिखाई नहीं देता है तो आंख के बिना भी दिखाई, सूर्य होने दो, अगर आंख नहीं है तो क्या देखेंगे। तो ये यहाँ का सूर्य है। इन तमाम चीजों को आप ठीक से व्यवस्थित रखेंगे तो आप अग्नि के वास्तविक स्त्रोता होंगे। ये मैंने पिंड की अग्नि की बात की, अब ब्रह्मांड की अग्नि की बात। ऊपर से शुरू करते, ये हमने नीचे से शुरू किया था ना, ऊपर शुरू करते। ये जो सूर्य है इस अग्नि के लिए परिभाषाएं दी, अग्नि की डेफिनेशंस, उसका निर्वचन शास्त्रों में किया गया है। तो वो निर्वचन मैं तो आपके लिए बहुत कुछ लिख कर लाया था,
और उसकी जरूरत शायद पड़ेगी नहीं, पर फिर भी अगर किसी को बहुत सूक्ष्म में चाहिए और फिर विस्तार में नोट बनाना तो आप ले लेना। इसमें मैंने दिया था अग्नि के निर्वचन, उन्होंने कहा अग्नि अग्निर भवत, अग्नि कस्मात। ये प्रश्न उठाया निरुक्तकार ने कि अग्नि को अग्नि क्यों कहते हैं। आइए प्रश्न, झाजी को एडजस्ट करो भाई कहीं हो जाएगा। असल में सीटें कम पड़ रही हैं, कोई नहीं बैठ जाइए, लाते हैं लाते हैं, आप जहाँ बैठी तब तक। हमारे पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत करा होना चाहिए लाइफ में। तो अग्निर भवत, अग्नि क्या है? अग्रणी है। अब जरा इस पर चिंतन करिए, इसलिए वो आराध्य है, वो स्तुत्य है। आप ईमानदारी से बताइएगा, जो नौजवान हो, बूढ़ा हो, ग्रस्त हो, प्रौढ़ हो, मैच्योर हो, सबसे पहले आप उठते क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ जी, सबसे पहले उठते ही लाइट किधर है, पब्लिक को दिखेगा, तब कुछ करोगे, और फिर दोबारा फिर अग्नि के पास जाते हो, चूल्हा किधर है, है ना, उसमें फिर चाय बनाएंगे। इसका मतलब सबसे पहले क्या चाहिए आपको? अग्नि। इसलिए अग्निर भवत। अब पहले जो ऋषि लोग थे वो सबसे उठते ही जो है चाय नहीं पीते थे, वो क्या करते थे? अग्रम यज्ञ सुप्रणीयते, सबसे पहले यज्ञ की व्यवस्था करते थे प्रातःकाल, नित्य कर्म से निवृत्त हुए और यज्ञ करना है, तो यज्ञ करना है तो अग्नि कहाँ है? वो जो यज्ञ का सामान सामग्री है उसको वो ढूंढ रहे, तो इसलिए कहा अग्नि का शब्द है अग्रणीर भवत। ये थोड़ा मिटा दो उसको, जी बढ़िया। बस अग्नि का टाइम तो खत्म हो गया, लेकिन अभी चला रहा हूँ मैं, रजिस्टर होगा ना पर अभी इंद्र का भी टाइम है ना। पहला अर्थ है अग्नि का जो सबसे आगे होती है, चाहे आप पिंड की अग्नि पर विचार करें, चाहे ब्रह्मांड की अग्नि पर विचार करें, सवेरा हो गया, हाउ कैन से, हाउ कैन नो, कैसे जानेंगे सवेरा हो गया? अग्नि बताएगी, समझे ना, वो जैसे सूर्य उदित होने लगेगा तो उषा काल होगा, तो सविता जो है वो आकाश में आएगा और माँ जो है उठ करके बच्चे से कहेगी बेटा उठो, है ना, क्या हो गया? सवेरा हो गया। वो सबसे पहले उषा आई, है ना, सविता आया और उसने हमको कहा कि मैं रात खत्म कर आया हूँ और सवेरा लेकर आया हूं, समझे, आप उठ जाओ। तो अग्निर भवती सबसे पहले वो होती है, वो होती है तो सुबह होता है, सुबह होता है तो हम उठते हैं, हम उठते हैं तो कुछ करते हैं, कौन सा? इसलिए अग्नि कस्मात अग्निर भवती। समाज आज बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, इतनी चीजें तो बहुत दिनों में बताई थी, यहां तो एक ही दिन में लिपट थी सारी। दूसरी इसकी डेफिनेशन दी इन्होंने, अंगम नयति सन्नममानः, ये जो अग्नि है ये सब पदार्थों को अपने अधीर कर लेती है, सबको नममान कर लेती है, सबको झुका लेती है, सबको अपने में मिला लेती है। आग लग जाए अगर तो चाहे लोहा होने दो, चाहे लकड़ी होने दो, चाहे कपड़ा होने दो, चाहे नोट होने दो, चाहे प्लास्टिक होने दो, वो सब क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा, खाक हो जाएगा।
अग्नि सबको आत्मसात कर लेती है, अपने अंगम नयति सन्नममानः अपने में मिला लेती है। अग्नि ऐसा तत्व है, अगर आपको किसी को अपने में मिलाना है, डू यू वॉन्ट टू मेक द फॉलोअर्स, आपको अपने पिछलग्गू तैयार करने हैं, तो आपको क्या बनना पड़ेगा? तेजस्वी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? हाँ, अग्निमान बनना पड़ेगा। जो जितना तेजस्वी है, जो जितना शक्तिशाली है, लोग उसके साथ अपने आप जुड़ते चले जाते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं। आज दुनिया मोदी के साथ जुड़ रही है, बेचारा इमरान तो बदरी शोर मचा रहा है, अरण्य रोदन कर रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा, क्योंकि इसने अपने अग्नि को क्या कर लिया? प्रदीप्त करके शो कर दिया कि मैं ये हूं। इसलिए कहा अंगम नयति सन्नम मानः, अग्नि वो है जो दूसरे को अपने में मिला लेती है, दूसरे पदार्थों को आत्मसात कर लेती है। एक और है, अक्नोपनो भवति, कुनोय कहते हैं गीला करने को। कुनोय धातु जो संस्कृत की, उसका मतलब क्या है? गीला करना। न कुनोय अक्नोय, न कुनोपयति अक्नोपयति, अर्थात जो गीला नहीं करता क्या करता है? सुखा देता है। तो अग्नि ये भी काम करता है। अभी वर्षा की ऋतु है और वर्षा की ऋतु में सब कुछ गीला गीला हो गया है ना। इसके बाद अगली ऋतु आने वाली है, उसका नाम क्या है? शरद। ऋतु तो बता दिया करो, वो क्या है? शरद है। शरद में जो रास्ते वर्षा की ऋतु में कीचड़ हो गई थी, गंदा हो गया था, मच्छर हो गए थे, शरद में वो सारा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं ये जो अग्नि है, अब वो शरद कैसे आती है? कि जब वर्षा बंद हो जाती है तो सूर्य जो है वो निरभ्र हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, और सारे जो गीलापन है वो सारा सूख जाता है। तो अग्नोपनो भवति, अग्नि वो है जो सुखा देती है। ये सब भौतिक अग्नि के लक्षण हैं। अब मैं आपको इसके अलावा एक और है, वो तो उसमें लिखा ही नहीं अभी तक हम, अक्तात दग्धात और इतात। कहाँ अक्तात? ये तीन है पर तीनों एक ही है, अर्थ तो अलग अलग है सबके। एक इसका दह धातु से भी अग्नि शब्द बनता है, अग धातु से भी अग्नि शब्द बनता है, कुनोय धातु से भी अग्नि शब्द बनता है। हमारे यहाँ शब्द का निर्माण भी उसके अर्थ के हिसाब से अलग अलग होता है। न अक्नुय अक्नोति अग्नत अग्नि ऐसे बनता है, का को गा हो जाएगा और आ आगे लग जाएगा कुनुय से, और ऐसे ही ये अक्तात इसी से बना है। फिर दग्धात दह धातु से, जो दग्ध कर दे जला दे। इतात जो गति पैदा कर दे। सबसे पहला जब इंजन हमारे देश में बना, किसका बना? बाष्प का इंजन। तो बाष्प का इंजन कैसे बना उस पता ही आपको इतिहास, कि उसने कैटली में पानी को गर्म होते देखा और जो वाष्प निकल रही थी उसे बार बार तस्तरी ऊपर उठ रही थी, ऊपर उठ रहा था। तो उसके समझ में ये बात आई कि अगर ये वाष्प बहुत बड़ी उसमें तादाद में बने तो बड़ी बड़ी चीजों को उठा देगा, और इसका मतलब तस्तरी तो जरा उसमें गति पैदा कर दी। इतात इन कहता हूं धातु से, तो जो ये गति पैदा कर दे उसका नाम भी क्या है? अग्नि है। ये अग्नि के मुख्य मुख्य काम है, भौतिक अग्नि के काम है, और यही सारे आध्यात्मिक अग्नि के काम भी है। अब तक मैंने आदि दैविक और आदि भौतिक दो अर्थ दृष्ट अग्नि के आपके सामने प्रस्तुत किए। अब अग्नि का आध्यात्मिक अर्थ सुनिएगा। ये सूर्य में आग है,
ऊर्जा है, ताप है, और विद्युत में क्या है, स्पंदन है, है? उसमें झटका है, वाइब्रेशंस हैं, और जो तीसरी अग्नि है ये नीचे की आग, इसमें दाहकता है। लेकिन इन तमाम अग्नियों में, इस भौतिक अग्नि में, पृथ्वी की अग्नि में दाहकता, और विद्युत में कंपन स्पंदन, सूर्य में प्रकाश दाहकता, ये किसने दी? क्या इन्होंने अपने आप पर ली ये चीज? तो उसका उत्तर उपनिषद में मिला, आध्यात्मिक की ओर ले जा रहा हूं। उन्होंने कहा तस्य भाषा सर्वमिदं विभाग, उसकी भाषा माने प्रकाश से ही, उसके भास है ना, उसके प्रकाश से ही ये सब प्रकाशन है। सूर्य में प्रकाश है तो किसका दिया हुआ? परमात्मा का दिया। विद्युत में अगर स्पंदन है, कंपन है, तो वो किसका दिया हुआ? प्रभु का दिया हुआ। आग में अगर दाहकता है तो किसका है? इसका मतलब सब अग्नियों का अग्नि तो कौन है? इसलिए कहा एकम सद विप्रा बहुधा वर्ण, उस एक ही सत्व ईश्वर अनेक प्रकार से कहा जाता है। अग्नि शब्द से भी कहा जाता है अग्निम यमम मातरिश्वानम आहु, अग्नि है, यम है, मातरिश्वा है, इंद्र है, वरुण है, जितने ये शब्द हैं सब उस परमात्मा के वाचक इसलिए हैं कि इन तमाम पदार्थों के द्रव्यों में जो शक्ति है वो शक्ति किसकी है? उस महा अग्नि। इसलिए ये अग्नि शब्द का एक अर्थ क्या हो गया? परमेश्वर। अब जहां भी जो ऊर्जावान है, अग्निवान है, वो सबका सब अग्नि का प्रतिनिधि है। राजा अग्नि का प्रतिनिधि है, अध्यापक अग्नि का प्रतिनिधि है, इस तरह से सब अग्नियां हैं। इसका और बहुत बड़ा वर्णन नहीं करते, तो आप ये मानकर चलें अग्नि शब्द के कितने अर्थ निकले मोटे मोटे तौर पर। अब यहां से सुनकर जहां से मैंने एंड किया, अग्निमानी परमेश्वर है ना, ब्रह्मांड में अग्निमानी आत्मा पिंड में, चूंकि जहां वो चैतन्य है तो ये भी चैतन्य है, और अगर ब्रह्मांड में सूर्य अग्नि, विद्युत अग्नि, आग अग्नि, इसमें बुद्धि अग्नि, हृदय प्राण अग्नि, और जठर भूख अग्नि, ये तमाम इस अग्नि के अर्थ हैं। अब जरा एक मंत्र देखें, उसके बाद अग्नि फिनिश करता हूं। अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातम। अग्निम ईडे, अहम कर्ता पद छिपा हुआ है, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं। एक और अर्थ भी है, क्योंकि यहां मुझे पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर और विद्वान विद्यार्थी बैठे हुए हैं। ईड शब्द धातु जो है याचना के अर्थ में भी है, अग्नि से मैं मांगता हूं। अग्निम ईडे, दो अर्थ है ईडे के, एक याचना और एक स्तुति। वैसे स्तुति भी इनडायरेक्ट वे में याचना ही है। जब आप ये कहें आर्य साहब कमाल होगा आपको, वेदों के कितने विद्वान है, इसका मतलब मुझे कुछ कहलवाना चाहते हो वेदों को, आपको जो कहलवाना चाहते हो और वो जानना चाहते हो, इसलिए आपने मेरी स्तुति की। तो जब हम स्तुति करते हैं तो उसका अर्थ ही होता है याचना। तो अग्निम ईडे, कीदृशम अग्निम ईडे, पुरोहितम अग्निम ईडे, मैं पुरोहित रूपी अग्नि की स्तुति करता हूं। यज्ञस्य देवम ईडे, यज्ञ के देवता अग्नि की मैं स्तुति करता हूं। ऋत्विजम, ऋतुओं के जन्म देने वाले अग्नि की मैं स्तुति करता हूं। होतारम अग्निम ईडे, होता रूपी अग्नि की स्तुति करता हूं। रत्नों को धारण करने वाले अग्नि की स्तुति करता हूं। अब क्या अनुभव बना इसका? पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम अग्निम ईडे, मैं उस अग्नि की स्तुति करता हूं जो इस रूप है। किस किस रूप है? अग्नि की चर्चा तो मैंने इतनी सारी केवल अग्नि शब्द के आसपास की। अब अग्नि के आसपास जो शब्द हैं, लगभग लगभग 200 शब्द हैं अग्नि के वाचक वेद में,
उन पर चर्चा करूं तो ये शायद पूरा जो 50 लेक्चर है इसी में निकल जाएंगे। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। पुरोहितम, पुरोहित का मतलब क्या है? पुरह एनम दधति, पुरोहित वो होता है जिसको सबसे पहले धारण किया जाता है, आगे किया जाता है। आदमी पैदा होता है, हमारी अपनी संस्कृति की बात कर रहा हूं, जब आदमी पैदा हुआ तो घर वालों ने कहा कि किस दिन करेंगे नामकरण, है ना। वैसे तो जात कर्म होता है, जात कर्म के बाद उससे पहले भी संस्कार होते हैं, जन्म से पहले ही, है ना, गर्भाधान के बाद पुंसवन है, सीमांतो नयन है, हर जगह पुरोहित की जरूरत है। और कुछ ने बचा, तीन तो बची गए ना अभी, बाकी संस्कार तो सब खत्म हो गए। कौन कौन से बच्चे हैं? एक बचा है नामकरण, और एक बचा है विवाह, विवाह और एक अंत्येष्टि, क्योंकि वो तो कुछ करना ही पड़ेगा, और ये तीनों मजबूरी के, खुद को भी करना, हाँ करते तो हैं, हाँ दूसरे करें, पर होता है संस्कार तो संस्कार है, पुरोहित तो करता है ना, हमें तो पुरोहित चाहिए। तो कहा जो संस्कार करने के लिए हमने पुरोहित को ढूंढा सबसे पहले, भाई पंडित जी बताओ कौन से दिन, बोले 11वें दिन नामकरण होगा, पंडित जी ने बता दिया आपका नामकरण होगा। तो पुरह एनम ददति, जो उसको सबसे पहले याद किया जाता है, अच्छा ये बताओ उसको छोड़ दो, इस पुरोहित बेचारे की तो हमारी डायरी में गिनती ही नहीं, अब तो वो ये हो गया है कि वो बहुत पैसे मांगता है, उसको छोड़ो दूसरे वाले मंदिर से लाओ। लेकिन उस पुरोहित को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, जीवन के हर क्षण में उसकी जरूरत है। अगर परमात्मा थोड़े दिनों के लिए संसार से अपनी हवा निकाल ले, ये प्राण जैसे कहते हैं, इसे रोक ले, है ना, कि भाई बाकी तो तुम लोग अपने कमा के खाते हो, हवा तो कोई बनाता नहीं है, तैयार करता नहीं है, वो तो मेरी दी हुई है, मैं अपनी चीज वापस ले लेता हूं, तो हम जिंदा रहेंगे। पुरह एनम दधति, हर प्राण हर श्वास जिसके बिना हम धारण नहीं कर सकते, उसका नाम क्या है? पुरोहित है। पुरह एनम दधति, और जितने मैंने अर्थ आपको बताए हैं, अंतरिक्ष से दीव से लेकर नीचे तक, चाहे ब्रह्मांड का, चाहे पिंड का, चाहे आध्यात्म का, वो सब पुरोहित शब्द में घटेंगे। तो पुरोहितम अग्निम ईडे, अग्नि साक्षात पुरोहित है हमारा, उसके बिना हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। भोजन पकाएंगे तो अग्नि वाला पुरोहित चाहिए, भोजन पचाएंगे अग्नि वाला पुरोहित चाहिए। तो ये सारा यज्ञस्य देवम, वो यज्ञ का देवता है। मैं उस यज्ञ की बात नहीं करता जो हवन कुंड में होता है, वो तो आप सब लोग जानते ही हैं, उसमें तो अग्नि जलाई जाती है, आहुति दी जाती है, तो यज्ञ का देवता है। मैं और दूसरे यज्ञ की बात करता हूं। हमारी क्लास चल रही है और इसमें भी एक यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ का नाम क्या है? ज्ञान यज्ञ। इसका नाम है ब्रह्म यज्ञ, है ना, इसका नाम क्या है? ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है। इस ज्ञान यज्ञ में जो मैं क्या काम कर रहा हूं, पुरोहित मैं रास्ता दिखा रहा हूं आपको, उस पर आप चलेंगे। ये अग्नि है, उससे ऐसे ऐसे आपको उसका यूज करना, और आप यहाँ काम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ विधि भी चल रही है, आप हवन कुंड का काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं उसमें आहुति दे रहा हूँ, अग्नि प्रज्वलित कर रहा हूँ, जितना भी आपके पास थोड़ा बहुत पहले से है वो सारा का सारा उद्बुद्ध कर रहा हूँ। तो इसलिए कहा यज्ञस्य देवम, यज्ञ का देवता है। ऋत्विजम, और ये ऋतुओं को जन्म देने वाला है। कौन? अग्नि। ऋतु में कौन बदलता है? सूर्य, जैसे मैंने ऊपर उंगली की ना, जो स्थानीय जो अग्नि है वो ऋतु में परिवर्तन करता है। सूर्य की गति के हिसाब से ही कहां अक्षांश है, कहां देशांतर है, किस किस उसके पास है वो रेखा के, उस हिसाब से ऋतु में बदलती है। तो साहब, तो इसका मतलब यह है कि ऋतुओं को जन्म देने वाला है ऋतु जन्म होता आरंभ। ये जो ज्योतिष के लोग हैं ये क्या करते हैं? ये आपको ये बताते हैं कि कौन सा नक्षत्र किस राशि के निकट है, और उसका जो प्रभाव होता है लोक में उसी को वो ब्रह्मांड में उसी को पिंड में ढूंढते और फिर आपको फलादेश कर देते भी, ये हो सकता है। अब वो अलग बात है कि आपके शरीर की प्रक्रिया वो ठीक नहीं है, या जो उसका हमने अध्ययन ठीक नहीं किया, पर अगर ठीक कर लिया तो आउटपुट ठीक आएगा। होता आरंभ,
और ये अग्नि क्या है? होता है। होता का मतलब क्या है? होता होता है हबिम ददात, जो आहुति देता उसका नाम क्या है? होता है। हमारे इन कुंडों में आहुति कौन दे रहा है? अग्नि है ना। हमको सारी आहुति, चाहे अन्न जो मिल रहा है, औषधियां जो मिल रही हैं, फल जो मिल रहे हैं, सब्जी जो मिल रही है, उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? सारी प्रकृति में उस सबको देने वाला कौन है? वो अग्निश्वर परमेश्वर है। इसलिए होता रत्न धातमम, और वही रत्नों को धारण करने वाला है। रत्न की बात और कर दूं आपको, आप सब लोग रत्न प्रिय होंगे। हमारे यहाँ आजकल रत्न की संज्ञा थोड़ी बदल गई, तो एसी नहीं चल रहा क्या? एसी चल रहा है, इफेक्टिव नहीं क्यों? बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, डिजाइन नहीं है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दरवाजा खोलना चाहिए। मुझे महसूस होने लगा फिर मैं आप तो ये रत्नों का धारण करने की बात और बता चुका हूँ आपको। आम तौर पर हम लोग रत्न का मतलब क्या समझते हैं? सोना, चांदी, हीरा, तुगराज, जवाहरात, ये सब क्या है? रत्न हम लोग महसूस करते हैं, पर शास्त्र इनको रत्न नहीं मानते। शास्त्र किसको रत्न मानता है? कहते हैं पृथिव्याम तीन रत्नानि, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। पृथिव्याम तीन रत्नानि, जलम, अन्नम, सुभाषितम, मूढ़ी पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा भी दिए थे। जल, अन्न और वाणी, सुभाषित अच्छी वाणी। जलम, अन्नम, सुभाषितम, ये तीन रत्न हैं। पृथिव्याम तीन रत्नानि, पृथिव्याम तीन रत्नानि, जलम, अन्नम, सुभाषितम, मूढ़ई ही पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। अब जरा देखिएगा, ये जो रत्न है इनको कौन धारण कर रहा है? वैसे तो इन रत्नों को भी धारण वही करता है। सोना कहाँ से निकलता है? खदान से। खदान में किसने डाला? हम गाड़ के आए क्या? तो उसने ही सब बनाया। तो हर रत्न का धारण करने वाला वही है, इसलिए वो रत्न धातमम है। अग्नि की रे, ऐसे अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ, और यही स्तुति के साथ साथ अग्नि के प्रकरण को समाप्त करके अगला प्रकरण है इंद्र का, उसकी चर्चा। और जब आप उसमें से कुछ भूल जाएं, छूट जाए, तो ये सब कुछ जो है शॉर्ट फॉर्म में इसमें मौजूद है। दोनों अभी आगे पढ़ाने वाला वो भी एक पेज पर अग्नि है, एक पेज पर इंद्र है। गुरु जी ये कैसे मिलेगा? क्या जो आप पेज लेके आए? आप दे दूंगा मैं, आप बांट लेना। नहीं नहीं ऐसा कुछ खास नहीं, बहुत शॉर्ट फॉर्म में है। बहन जी ने बहुत जोर दे के कहा था 2 घंटा बोलना है, दोनों देवताओं पर चर्चा करनी है। मैं इसलिए अनुशासित हूँ, वहाँ से बिल्कुल ऐसा कर रस्सी बता दी कि उनका हाथ में। ये इंद्र दूसरा देवता है, ये ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता है। इसमें 250 सूक्त हैं और एक सूक्त में लगभग 8 से 9 और 10 मंत्र होते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो चीज़ जितनी महत्वपूर्ण होती है उतनी ज़्यादा कही जाती है, ज़्यादा बार कही जाती है, ज़्यादा तरीके से कही जाती है। ऐसा ही ना नियम है ना? अगर बच्चे को सुबह उठाना है और माँ को लग रहा है बच्चा स्कूल जाएगा, तो माँ उसे बहुत तरीके से उठाएगी। एक माँ है वो कहेगी उठ, स्कूल का टाइम हो गया। उसे कहिए ठीक है उठ जाए, स्कूल का टाइम हो गया है। अच्छे बच्चे स्कूल टाइम से जाना है, अलग अलग स्टाइल है परंतु उद्देश्य एक है। क्या बोला? स्कूल भेजना, बच्चों को स्कूल भेजना है। वही एम को लिए हम जितना महत्वपूर्ण एम होगा उतनी ज़्यादा उसके लिए सजग होंगे। गृहस्थी के लिए तो एक है अपना घर चलाना है,
तो कैसे उसको अर्थ कमाना है, उसको कौन सी विधि अपनानी है, चाहे वो छोले भटूरे बेचेगा, चाहे वो चाहे व्याख्यान देगा वेद का, चाहे वो कुछ और करेगा, पर वो करेगा, है ना। तो ये अब इंद्र जो है ये दूसरा देवता है। जैसे मैंने अग्नि का विवेचन किया था उसी प्रकार से इंद्र में भी बहुरूपता है। क्या है? जिसके अर्थ में बहुलता है। एक घटना से शुरू करते हैं। जिस वक्त मैं एमए का विद्यार्थी था दिल्ली विश्वविद्यालय, ये बात है 1974 या 5 की, तो एमए की क्लासें यूनिवर्सिटी में लगती हैं दिल्ली में, और बीए तक की क्लासें कॉलेज में लगती हैं, ऐसा ही है ना। तो वहाँ प्रोफेसर्स कॉलेजों से डेपूट होकर के आते हैं, तो मैं प्रोफेसर का नाम नहीं बताऊंगा। वो आए और उन्होंने कहा कि हम आपको वेद पढ़ाएंगे, और सबसे पहला जो सूक्त था वेद समुल्लास में वो इंद्र सूक्त था। इंद्र सनु वीर्याणि प्रबोच यानि चकार प्रथमानि बजरी, ये मंत्र था। तो उन्होंने वो मंत्र पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद उन्होंने कहा इंद्र सनु वीर्याणि प्रबोचम, मैं इंद्र के पराक्रमों को कहता हूँ, यानि चकार प्रथमानि बजरी, जो वज्र धारण करने वाले इंद्र ने पहले किए थे। और फिर उन्होंने बताया अनु अपस्ता तर्द, उसने क्या किया कि उसको अही को अहिम अहन अनु अपस्ता तर्द, उसने अही को मार डाला, अहिम अहन अही को मारा अनु अपस्ता तर्द, और उसका रक्त जो है सारी पृथ्वी पर फैल गया और सारी पब्लिक खुश हो गया। जब उन्होंने ये अर्थ किया, वास्तविक घटना बता रहा हूं, तो मेरा तो खोपड़ी घूम रही। हमने कहा ये भैया वेद है भाई, और ऐसा ही वेद हम पढ़ने लगे तो फिर तो हम तो जाते सबसे पहले अपना चक्कू निकालेंगे, दूसरे के पेट में मारेंगे और खून खान कर देंगे, और उसके बाद लोग खुश हो जाएंगे, वाह क्या बहादुर बच्चा है, यही इंद्र है। मैंने कहा प्रभु मुझे तो कुछ थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सबका परम धर्म है, तो ये ऐसा वेद पढ़वाओगे क्या। तो छूटते ही उनको लगा ये थोड़ा सा नालायक विद्यार्थी है। उन्होंने पता था किसी दिन मैं वेद की चर्चा करूंगा, तब उन्होंने कहा देखो हमारी कॉलेज में एक बड़े विद्वान विद्यार्थी आए हैं, ठीक है, इनका नाम है सीके आर्य, आ जाओ ये बताएंगे इंद्र का मतलब क्या। तो मेरा जुलूस निकाल दे, अब विद्यार्थी को कोई प्रोफेसर बुला के ऐसे खड़ा कर दे तो उसकी तो हवा निकली जाएगी ना। मैंने कहा भाइयों देखो मैं विद्यार्थी हूँ, मैं लेक्चरर नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लगा कि इंद्र का जो अर्थ इन्होंने बताया है वो शायद सम्यक नहीं है, कुछ और इसका गहरा अर्थ है। हाँ तो गहरा अर्थ निकालो ना, अब ये कुएं में से रत्न निकालेंगे देखो। उन्होंने इतनी ज़्यादा मतलब डिमोरलाइज कर दिया कि मैं जितना जानता था उतना तो नहीं कह पाया, पर थोड़ा सा मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है ये इंद्र कोई और है, जो अही भी कुछ और है, बोले क्या है। मैं तो मुझे लगता है इंद्र नाम सूर्य का है, इंद्री दीप, तो मैं व्याकरण का विद्यार्थी था, बनारस से लब स्वर्ण पदक शास्त्री था, तो मुझे इतना तो पता था कि इंद्र शब्द की भी परमेश्वरी है और इंद्री दीप तो दोनों से बनता है। तो मैंने कहा ये जो है इंद्री दीप तो उसे बना है, और इसमें उस वक्त मुझे निरुक्त प्रयुक्त नहीं आता था, अब तो आपके सामने सारा रखूंगा, निरुक्त भी रखूंगा और प्रयुक्त भी रखूंगा। तो फिर मैंने कहा साहब ये जो सूर्य है और अही जो है वो क्या है, अंधकार है, बादल है, बादल छाता है तो अंधेरा हो जाता है, तो सूर्य ने बादल को क्या किया, अपस्तत फाड़ दिया उसको। उसमें आगे अगले वाले मंत्र में है पर्वते श्रीयाणम, पर्वत और सोता हुआ है, तो पर्वत की चोटी पर अही सो रहा था वो राक्षस था। उसका मतलब क्या है, जब बादल छाते हैं तो वो जो ऊंची चीज होती है पर्वत की चोटी से टकराते हैं और क्या करते हैं, बरस जाते हैं। तो मैंने कहा शायद ये जो सूर्य ने बादल को फाड़ दिया और वर्षा हो गई और सारा किसान खुश हो गया, इतना ही अर्थ मुझे आता था, मेरे समझ में आया, और मैंने बताया तो बच्चों ने तालियां बजाया, बैग उठाया उठ के चले गए और बोले तुम जो है ना मेरी क्लास में नहीं आ सकते, नॉट अलाउड। मैं अगले दिन से कृष्णलाल जी क्लास में चला गया और मैंने उनसे पर यही सवाल किया, वो इंद्र सूक्त पढ़ा रहे थे, कहते मैं समझ गया मेरे पास समय सूचना आ गई, बैठ जाओ बैठ। उन्होंने बड़े विस्तार से
पढ़ाया और मैंने उनको गुरु धारण किया वेद का। बाद में जब मैंने रिसर्च लिखा तो उनके वैदिक निर्वचन कोश को उसमें ऐड किया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो इंद्र है ये भी अग्नि की तरह से बहुत बहुलता है, इसके अर्थ में बहुत व्यापकता है। दो दृष्टिकोण तो पाणिनि के हाथ आए, वो आया इदि परम ऐश्वर्य, धातु है इसका मतलब परम ऐश्वर्य जिसका है उसका नाम क्या है, इंद्र। अब जरा ऐश्वर्य पर चर्चा कर लेते हैं कैसे परम ऐश्वर्य। अगर हम आपसे एक एक से ये पूछें आप पर कितना ऐश्वर्य है तो आप कहेंगे साहब मेरे पास एक तो सबसे पहले मेरी बहुत अच्छी नौकरी है, आई एम डूइंग जॉब इन इंटरनेशनल, क्या बोलते उसको, मल्टीनेशनल कंपनी, तो ये एक ऐश्वर्य आ गया। पर आपने कहा कि आई हैव ए टू फैक्ट्रीज, फिर आपने कहा आई हैव ए फोर कार्स, वो आपने पर्चे देते हुए अपने ऐश्वर्य का बताया कि मेरे पास इतना है, इतने मकान है, इतनी कोठी है, इतने बंगला, आजकल बताना मत किसी को वैसे ईडी वाले आ जाएंगे, तो बताया। परंतु ध्यान रखिएगा मेरे पर कितना है तो उतने का मैं मालिक हूँ, उतने का मैं ईश्वर हूँ, इसलिए मैं उस अर्थ में ऐश्वर्यवान हूँ, है ना, ऐश्वर्य कितना है। परंतु परमात्मा पर कितना ऐश्वर्य, उसका एक एग्जाम्पल वेद मंत्र से दूंगा। हमारे पास जितना भी ऐश्वर्य है वो आखिरकार उसकी लिमिट है, उसकी सीमा है, परंतु परमात्मा का ऐश्वर्य कैसा है, अनलिमिटेड असीम है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिर एक आसीत सदाधार पृथ्वी है, कोई ये कहते सारी धरती मेरे नाम है, मैंने धारण की है, नहीं हो सकता ना, ट्रंप भी नहीं बोल सकता है ना, और रशिया वाला वो भी नहीं बोल सकता, पुतिन ये भी नहीं कह सकते कि सारी धरती हमारे नाम है, हालांकि उन्होंने धरती बांट ली है, आकाश बांट लिया है, समुद्र बांट लिया है, लेकिन फिर भी बटा बटाया है। आखिरकार वो किसका है, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिर एक आसीत, वह पहले ही सारे संसार का समस्त प्राणियों का जितना ऐश्वर्य है सबका मालिक था, सदाधार पृथ्वी, उसने सारी पृथ्वी को धारण किया, ज्ञामु तेमाम द्यूलोक को पूरे को, जिसमें सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र है, बृहस्पति है, शनि है, शुक्र है, इन सबको धारण, कस्मै देवाय हविष्यामि। तो इंद्र तो उसका नाम है जिसका परम ऐश्वर्य है, जो परमेश्वर है, सूर्य भी उसका, चांद भी उसका, पृथ्वी भी उसकी, पहाड़ भी उसके, वृक्ष भी उसके, नदियां भी उसकी, सब कुछ उसका है, उसका नाम क्या है, परमेश्वर है, उसका नाम क्या है, इंद्र है। अब एक सवाल आपके दिमाग में बुलबुल 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 कर रहा होगा, और वो सवाल ये है कि पुराण में जो हमने इंद्र पढ़ा है वो वाला इंद्र तो आप बता ही नहीं, तो मेरा काम है वेद के इंद्र का बताने का। पुराण के इंद्र तो बड़ा खतरनाक है, जो तपस्या करता है उसकी तपस्या भंग करने पहुंच जाता है, वो तो गड़बड़ करता है, ऐसा हमारे वेद में इंद्र का कोई वर्णन नहीं है। 200-250 सूक्तों में एक मंत्र भी ऐसा नहीं है जहाँ इस प्रकार का वर्णन, हाँ कुछ उससे मिलते जुलते स्वभाव हैं जिनको पुराणों ने स्पष्ट करने के लिए थोड़ी कहानियां रची थी, तो उसके मैं एग्जाम्पल दूंगा आगे चल करके। इदि परमेश्वर्य, एक पाणिनि ने दूसरा एंगल देखा, उन्होंने कहा इंधि दीप्तौ, ये जो चिन्ह होता है धातु का चिन्ह होता है, मैं लिख देता हूं इंधि दीप्तम, ये पीछे वाला जो होता है ये अर्थ लिखा होता है, ये धातु है। मेरे ख्याल तो ठीक लिखा, अच्छा अच्छा अच्छा, परम ऐश्वर्य, ठीक है धन्यवाद। तो ये इदि परमेश्वरी है, परमेश्वरी और इंधि दीप्तम, दीप्ति का मतलब क्या है, चमक, जो चमकता है, जो प्रकाशित होता है, जो चमकाता है,
जो प्रकाशित करता है उसका नाम क्या है? इंद्र है। अब कौन चमकाता है? उत्तर आपके तरफ से अपने आप आ जाएगा। तो जैसे आप कहोगे अभी तो आप अग्नि में बता रहे थे सूर्य, अभी इंद्र में सूर्य बता रहे हो। तो हमारे यहाँ गुण के हिसाब से एक व्यक्ति के बहुत नाम होते हैं और एक नाम के बहुत व्यक्ति होते हैं, होते कि नहीं होते बताओ। राजीव जी कितने? हमारी क्लास में राजीव जी कितने? संयोग से एक ही है, संजीव जी। तो ऐसे बहुत है दुनिया और इनके एक एक के अनेक अनेक गुण हैं और अनेक अनेक नाम हैं। नाम भी गुणों के आधार पर बहुत से होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोयल साहब का हमारे यहाँ जो नाम है वो इनका गोयल जी नाम है, पर इनकी पत्नी के हिसाब से ये क्या है? पतिदेव हैं। इनके पुत्र के लिए क्या है? पिताजी हैं। और अपनी फैक्ट्री में ये क्या है? मालिक हैं। तो इनका मालिक नाम है, इनका पति नाम है, इनका मामा नाम है, इनका पुत्र पिता नाम है, इनका पुत्र नाम है, इनका पति नाम है, कितने नाम, परंतु एक इनका अपना नाम है ना। इसी तरह से ये जो गुण हैं उनके आधार पर नाम होते हैं। तो इंद्री दीप्त प्रकाश करने वाला जो है वो सूर्य है। इंद्र नाम किसका है? सूर्य का। इंद्र नाम परमेश्वर का है। ये दो तो मोटे मोटे तौर पर, ये पाणिनि ने दो धातुएं इसमें तय की। एक और है, इंद्रियाणाम अधिष्ठाता इति इंद्रः। एक इंद्र उसका नाम है जो इंद्रियों का अधिष्ठाता है। तो ये हो गया परमेश्वर, ये हो गया सूर्य, इंद्रियाणाम, ये पूरा बनाना पड़ेगा यहाँ, नहीं तो ये संस्कृत वाले लोग पकड़ लेंगे मुझे। अधिष्ठाता इंद्रह अर्थात आत्मा, तीन मोटे मोटे अर्थ, परमेश्वर, सूर्य और आत्मा। शरीर में इंद्र कौन है? आत्मा। ब्रह्मांड में इंद्र कौन है? परमेश्वर। भौतिक कौन है? सूर्य। तो इस प्रकार से ये तीन मुख्य अर्थ हैं। अब जरा देखिएगा, मैं एक मंत्र लिखता हूं, ये लिख लीजिए पहले, फिर उठा के लिखता हूं। अब ठाकुर जी हुआ ये बोलते हैं, ठाकुर जी बता देना अभी करता हूँ, जही स्वयातम।
ये इंद्र से एक प्रार्थना है, हे इंद्र दृषदेव प्रमृण माम रक्ष, हे इंद्र तू मेरी रक्षा कर और इन सबको प्रमृण माने मसल दे, किसको दृषदेव, जैसे माताएं वो चटनी बनाती है ना सिलबट्टे पर घिस देती है उसको धनिया को पुदीना को, इस तरह से तू उसको रगड़ दे और मेरी रक्षा कर ले। किसको रगड़ दे? कहते हैं उल्लू का यातम, जो उल्लू की यात मानी गति है। उल्लू की गति क्या है? उसको रोशनी में दिखाई नहीं देता, आदमी को भी नहीं दिखाई देता। वेद में लिखा है उतत्व पश्यन न ददर्श वाचम उतत्व श्रवण न श्रोति एना, लोग सुनते हुए भी नहीं सुनते और देखते हुए भी नहीं देखते, होता है कि नहीं? और क्या हो रहा है झा साहब? अरे देख तो रहे हो, लिख रहे हैं लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं, है ना? चल के आ गए, ठीक ठाक है, ठीक तभी तो चल के आए, तो देखते हुए हम कहाँ देख रहे हैं, है ना? और इतना ही नहीं, सच्चाई ये है कि जो सब लोग कहते हैं क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। हर आदमी अपने बच्चे को सिखाता है और फिर अगर कोई मिलने वाला आ जाए जिससे वो मिलना नहीं चाहता तो घंटी बजाई, है क्या गुप्ता जी? बच्चा से बोला, बोले घर में नहीं है। उसने कहा पिताजी कह रहे हैं घर में नहीं, क्योंकि उसको हमने उल्लू की गति होती है हमारी कि हम देखते हुए भी नहीं देखते। रोशनी है, सबको दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता। सही रास्ता सबको दिखाई नहीं देता। एक सज्जन व्यक्ति दुष्ट व्यक्तियों के साथ मिले, पंचतंत्र की कहानी है, तो वो चोरी करने जा रहे थे तो उसने कहा हाँ भाई चलेगा? कहाँ? बोले आज चोरी कर रही है। बोले मैं नहीं जाऊँ। बोले जाएगा कैसे? हमारा दोस्त तो चलना पड़ेगा, तो चल पड़े चोरी करने के लिए। जब चल पड़े तो बीच में बच्चे जो थे, चूँकि चोर सड़क से नहीं जाते कहा गया है, वो ऐसा रास्ता निकालते हैं जिसमें आम आदमी नहीं चलता, तो ऊबड़ खाबड़ रास्ते से चले तो वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे और वो गड्ढे से थे, ऊंचा नीचा था, तो उनमें से एक ने कहा अरे बच्चों तुम्हारे पैर में चोट लग जाएगी, लूले लगड़े हो जाओगे, कम से कम ठीक एक जैसे मैदान में तो खेलो। तब उन्होंने कहा हमको रास्ता बता रहे हो और तुम कौन से रास्ते से चल रहे हो? दुनिया में वैसे यही होता है। तो उसके लड़के के समझ में आया कि ये तो आदमी तो ठीक, बच्चा तो ठीक कह रहा है, तो हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो भी रास्ता गलत है, बहुत उबड़ खाबड़ है, उसमें तो कभी भी तिहाड़ पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारी समझ में नहीं आता, हम रास्ता जानते सही कौन सा है लेकिन हम उस पर चलते नहीं है। वही बात कही उल्लू का यातम, जो उल्लू की गति है वो अंधकार में ढूंढता है, उसको दीख प्रकाश में दिखाई देता है। कहते उस गति से हे इंद्र रक्ष, हमारी रक्षा कर, क्योंकि सूर्य है इंद्र का नाम। सूर्य का काम क्या है? रास्ता को प्रकाशित कर ले। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम रास्ता दिखाओ, हम सही रास्ते पर चले। परमात्मा का काम क्या है? रास्ता दिखाना, आत्मा को सही रास्ता दिखाना। यमाचार्य नचिकेता के प्रसंग में, उपनिषद का कोई भी प्रसंग उठा के आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ सही रास्ता दिखाना ही सबसे बड़ी चीज है। और वेद क्या करता है? वेद सही रास्ता दिखाता है। देखो मैं वेद का एक रास्ता आपको याद दिलवा देता हूँ। ऋग्वेद में एक सूक्त है, उस सूक्त का नाम है धनान्न दान, उसका नाम है अक्ष सूक्त। आयो वेद की क्लास ले आए सर, समाप्ति क्लास करता हूँ सर, मुझे जानकारी मिली तो। अक्ष सूक्त है, उसमें लिखा अक्षैर मा दिव्य कृष्णमत कृष्णश्व, मनुष्य तू जुआ मत खेल, क्या कर? खेती कर। और फिर करीब 14-15 मंत्रों में ये सारा बताया गया, जुआ खेलेगा तो तेरी ये दुर्गति होगी, तेरी ये दुर्गति होगी, तू घर में आएगा देर रात तो तेरे घर वाले तुझे घुसना नहीं देंगे, समझे, तेरी बीवी दरवाजा नहीं खोलेगी तो तू घर भटकता फिरेगा, तेरी माँ फिर बहुत परेशान हो जाएगी, ऐसा बहुत वर्णन लंबा चौड़ा है। क्या हुआ? भारत का विनाश में सबसे पहला युद्ध कौन सा हुआ? हाँ जी, महाभारत का। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? युद्ध की वजह से।
वेद का आदेश नहीं माना, उलूक यातम के रास्ते पर चले। उन्होंने कहा था कि कृषि करना, और बता दूं आज भी देश की दुर्गति का कारण कुछ है तो किसान की उपेक्षा है, खेती की उपेक्षा है। क्योंकि वो जब तक हमारा जो मूल हमारा क्या कहते व्यापार है, मूल हमारा कार्य है, उसको करने वाला ही जब भूखा मरेगा, अन्न पैदा करने वाला ही भूखा मरेगा तो खाने वाला कितना नहीं है। तो इसने कहा उल्लू का यातम, हम जो उल्लू की गति है प्रभु तो उससे रक्षा कर। सुश्लू का यातम, सुश्लू कहते हैं भेड़िए को, भेड़िए का स्वभाव क्या है जी, एक के पीछे एक तो चलता ही है। भेड़िए का एक स्वभाव यह है कि वो किसी पर विश्वास नहीं करता। भेड़िए की ब्रीड तैयार हुई जर्मन सफर्ड, वो कुत्ता काटेगा जरूर अगर बहुत ट्रेंड नहीं है तो, अपना काम करेगा। तो उल्लू के आत्म का मतलब, सुसुलू के आत्म का मतलब होता है कि तो उसकी एक गति ये होती है कि जब कोई खाने को मिले तो ये पूंछ ऐसे करके घुमाना शुरू करता है, जिसे कहते हैं चामस्य, क्या कहते हैं चमचागिरी। कुत्ता को कुछ मांगना है तो लौट जाएगा, पेट दिखाएगा, बदन उतरता सनम जमाले किसी को डाल दे, पूंछ हिलाएगा। तो इस प्रकार से उसकी गतियां हैं। तो इस तरह के आपको जीवन में नहीं चलना, सुश्लोक की गति से नहीं चलना। एक और खराबी उसमें, अपने बिरादरी के भाई को देखेगा तो क्या करेगा है ना, भौंकेगा। मनुष्य को देख करके ईर्ष्या नहीं करना, लेकिन शायद इतना आप कुत्तों में भी नहीं बचा है जितना आदमी में आ गया है ना। हमको इस बात की चिंता कम है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमको इस बात की चिंता ज्यादा है वो कहाँ खड़ा है। इसलिए सुश्लु कयातम जही स्वयातम, स्व कहते हैं सॉरी सुश्लु माने भेड़िया, स्व माने कुत्ता। तो कुत्ते की वृत्ति मैंने अभी बताई थी। मुत गृध्र यातम, एक है गृध, गृध का मतलब है गिद्ध। गिद्ध बैठा होता है पहाड़ की चोटी पर, पेड़ की ऊपर चोटी पर, और वहां से देख लेता है कौन प्राणी मरेगा। मृत्यु से पहले ही उसे आभास हो जाता है तब वो वहां पहुंच जाता है। तो दूसरे की मृत्यु की दुख की प्रतीक्षा करना है ना, उसका नुकसान कैसे हो, ये वृत्ति क्या है, गृध वृत्ति। एक और वृत्ति है गृध को कहते हैं, वेद में मंत्र है ईसा वास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृध कस्य सुधनम्। कि किसी के धन को गिद्ध की दृष्टि से मत देखो, मेरा अपना होता है। ये काम इतना बढ़िया है, अपने हाथे कैसे चलेगा है ना। हमारे जो किसी राजनीतिक व्यक्ति की इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका काम यही है। तो हम दूसरे के माल के प्रति जो इच्छा रखते हैं वो गृध व्यक्ति है, गृध व्यक्ति है। सुपर्ण यातुम, सुपर्ण कहते हैं बाज को, ईगल को। ईगल भी क्या करता है, जो कमजोर देखता है उसको अपने पंजे में दबा ले जाता है। मनुष्य का ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। सुपर्ण वृत्ति नहीं हो उसकी, उसकी वृत्ति हो जो सबके काम आए। सुपर्ण जातम कुछ पंक्ति इसमें गड़बड़ हुई है, हाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। दूसरे तो इस प्रकार से जो इतनी वृत्तियां हैं हमारे जानवरों की, उन वृत्तियों से रक्षा करने की प्रार्थना कैसे की, इंद्र से। आप जरा ध्यान रखिएगा, इंद्र से क्यों प्रार्थना की, कोई इंद्र शक्तिशाली है, इंद्र परमेश्वरी शाली है, आपकी इच्छाओं को वही पूरा कर सकता है। परमात्मा के उसी नाम का हम चिंतन करते हैं जिस चीज की हमको जरूरत होती है। तो इन तमाम वृत्तियों के दूर करने का, नाश करने की शक्ति किसमें है, इंद्र में है। इसलिए इंद्र से हमने प्रार्थना की। अब मैं थोड़ा सा इसके बाकी अर्थ भी बता देता हूं, चूंकि समय बहुत थोड़ा बचा है। और फिर उन सब अर्थों में घटाता हूं।
इराम दृणाति, इराम ददाति, इराम दधाति, ये सब क्या है? इंद्र हा, जो इरा को दृणात करता है। इरा नाम है अन्न का, इरा नाम किसका है? अन्न का। कहते हैं जो अन्न को दृणात मानी विदीर्ण कर देता है। आप बीज को जमीन में बोकर आते हैं, जब बीज जमीन में बो देते हैं, अब उसको कौन विदीर्ण करता है, उसमें अंकुरित कौन करता है? सूर्य, इंद्र। इंद्रः बीजं दृणाति, जहां बहुत ठंडा रहता है, टेम्परेचर -0 रहता है, वहां कुछ बीज बहुत उपजेगा, उसको डेजर्ट कहते हैं। 3-4 तरह के डेजर्ट होते हैं, उसमें एक डेजर्ट वो भी है। केवल वहां बीज उपजता है जहां सूर्य की ऊर्जा होती है, पृथ्वी के अंदर प्रवेश करती है। तो पृथ्वी माँ का काम करती है और सूर्य पिता का काम करता है। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, और सूर्य को क्या गया है? वो पिता है हमारा। तो इराम दृणाति, उस इरा को, उस अन्न को वो क्या करता है? विदीर्ण करता है, यानी कि उसको अंकुरित करता है। इराम ददाति, और इरा माने अन्न को देता है। इदाम, इराम, 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 इरा माने अन्न के हैं। वैसे तो दधाति का वही अर्थ है, और वैसे ये भी लिख सकते हैं इराम धारयति। अन्न को देने वाला भी सूर्य है। हम अगर सूर्य का प्रकाश न हो तो अन्न को हमको नहीं मिल सकता। इसलिए हमारे यहाँ नव सचेष्टि और नवन्नेष्टि यज्ञों का प्रावधान है, क्योंकि जिसने दिया है पहले उसको थोड़ा सा वापस भेजो। तो हम आहुति देते हैं, और आहुति देकर अग्नि के थ्रू, वायु के थ्रू हम सबको पहुंचाना चाहते हैं। इराम दधाति, और अन्नों को धारण करता है, मूल भाव एक ही है, और इराम धारयति। तो जो अन्न को धारण करता है उसका नाम क्या है? इंद्र है, है ना? जो मैंने पहले आपको अर्थ बताया, इंद्री दीप्त वायु। ये निर्वचन सारे के सारे निरुक्तकार ने वेद के अर्थ करते समय, इंद्र का अर्थ करते समय हमारे सामने रखे हैं। इंद्रे भूतानि, जो प्राणियों को क्या करता है? ईंधन करता है, प्राणियों में प्राण फूंकता है। इंद्रे भूतानि एनर्जी देता है, वो कौन है? सूर्य। एक और देखिएगा, इंदवे द्रवति इंदौ रमते, इंद्र की और डेफिनेशन दी है, जो चंद्रमा में रमण करता है। चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा किसका प्रकाश है? सूर्य का प्रकाश है, इसलिए वो चंद्रमा में, इंद्र मन चंद्रमा में रमण करता है और उसको प्रकाशित करता है। इंद्र में द्रवते, एक और दृष्टिकोण है, इदम करणात इति इंद्रः, ये अलग ऋषियों के विचार है, औपमन्यक और स्थूलष्ठी भी,
दो आचार्य हैं उनके ये विचार हैं, वो कहते हैं इदम करणार्थ ये करता है इसलिए ये इंद्र है। इदम करणार्थ, इदम दर्शनार्थ ये दिखाता है इसलिए इंद्र है। सारे अर्थ सूर्य परमेश्वर और जीवात्मा तीनों अर्थों में जाते हैं। अब इदम करणार्थ को थोड़ा सा देखिएगा, कहते हैं वो इंद्र क्या करता है, बोले ये वर्षा किसने की, इदम करणार्थ वो करने वाला है, ये प्रकाश किसने किया, इंद्र ने किया, वो दिखाने वाला है इदम दर्शनार्थ। तो जितने भी ये निर्वचन हैं, मैंने एक जो एंगल आपको दिया कि वेद के शब्द में बहुलता है, इतनी बहुलता है कि आप जितने ढंग से सोच सकते हो उतने सारे अर्थ हो सकते हैं। इवन जो आधुनिक योगी हुए हैं अरविंद, उन्होंने तो अग्नि के अर्थ में उन्होंने कहा संकल्प शक्ति एक अग्नि है, वो उन्होंने अर्थ किया। जो पहले आचार्यों ने साइन ने और महीधर ने उब्बट ने या मैकडनल ने या दयानंद ने जो अर्थ नहीं किए, जो निर्वचन नहीं किए, उन्होंने एक नया निर्वचन, क्योंकि वेद में बहुत कुछ शक्ति है समझने की, इतनी विशालता है, उसका नाम ही इसलिए बहुलम छंदसी, पाणिनि का एक सूत्र है कि छंद में बहुलता का प्रयोग भी है और बहुलता का अर्थ भी है, अर्थ की बहुलता भी है और प्रयोग की बहुलता भी है। प्रयोग की बहुलता ऐसी होती है जैसे देवह देवऊ देवाह, जो संस्कृत थोड़े बहुत जानते हो समझ गए होंगे और जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं वो भी, कि देव शब्द का रूप बहुवचन में दो, एक चला देवह एक, देव द्विवचन और देवाह बहुवचन, पर वेद में देवासह भी होता है, उसकी बहुलता है। इसी तरह से भद्रम कर्णे भी शुणियाम, यहाँ कर्ण शब्द का जो रूप चलता है वो कर्णई ही बनेगा, कर्ण 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 कर्णम कर्ण कर्णान कर्ण कर्णाभ्याम कर्णई ही, कर्णे भी नहीं लिख सकते लेकिन वेद में दोनों प्रयोग मिलते हैं, कर्णे भी और कर्णे भी। तो ये भाषा की बहुलता भी है, रूप की बहुलता भी, प्रयोग की बहुलता भी है और अर्थ की बहुलता भी है। तो वेद को समझने के लिए थोड़ा ये जो मस्तिष्क है ये थोड़ा खुला करना पड़ता है, और वो खुला करने के लिए हमारे जो वेद के अंग हैं उन अंगों को हमें जानना पड़ता है, जिसमें सबसे प्रमुख अंग है निरुक्त, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इसमें मेरे हिस्से में व्याकरण आया है। तो मैं जब व्याकरण की चर्चा आपके सामने करूंगा तब आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार से व्याकरण वेद को समझने में सहायक है, परंतु केवल व्याकरण के द्वारा हम वेद की समग्रता को नहीं समझ सकते। अब आप समझ गए होंगे कि वेद जो है वो केवल कर्मकांड की चीज नहीं है, ये बहुत व्यापक चीज है, ये जीवन का दर्शन है, ये जीवन की पद्धति है, ये जीवन की दिशा है, ये जीवन का अंग है। तो हम वेद को जीवन के साथ जोड़कर जब चलते हैं तब सही मायने में हम वेद को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। संसार ने जो कुछ हमने प्रस्तुत किया था ऐसा समझ के दुनिया के सामने कहा कि ये तो वेद तो गड़रियों के गीत हैं, उनको समझ नहीं आया क्या अर्थ हो सकता है। हमने केवल पाठ की पर ध्यान दिया, यहाँ भी लिखा हुआ है ना, सस्वर वेद अध्ययन पाठ संरक्षण संवर्धन, हमने पाठ तक सीमित रह गए। वहां लिखा है कि जो अर्थ सहित वेद को नहीं जानता समझे, वो समझ लो गधे की तरह बोझ को ढोता है। तो वेद को सार्थक जानना है ऐसा हमारा प्रयत्न है, ऐसी हमारी इच्छा है कि कम से कम वेद का जो प्रकाश है वो सारे संसार में हो। दुनिया वेद के विषय में अभी बहुत अच्छी तरह से नहीं जानती है, पर जानने की बेहद कोशिश कर रही है। एक छोटा एग्जाम्पल देकर के बात को फिनिश कर, अभी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई तो दे हैव डिसाइडेड कि हमको हाउ टू स्टार्ट द वे कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस को हम कैसे स्टार्ट करें, तो उन्होंने तय किया और बहुत बड़े बड़े जो प्रबुद्ध लोग थे उनसे पूछा भाई हाउ टू स्टार्ट द
वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, ये भी 3-4 साल पहले हुई अमेरिका में। तो उन्होंने कहा भाई इस विषय में हम बहुत प्रबुद्ध लोगों से पूछते हैं, तो भारत के लोगों से भी पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला ज्ञान का स्वरूप कहाँ था, तो उन्होंने पढ़ा इतिहास में कि दुनिया की सबसे पहली पुस्तक क्या है, ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद से शुरू करते हैं। अब ऋग्वेद में तो 10,552 मंत्र हैं, कौन सा मंत्र बोला जाए? तो बाकी मंत्र तो कहीं ना कहीं तो हमारे तंत्रवाद से जुड़े हैं, ये हमारा पल्य संप्रदाय वो संप्रदाय, विष्णु बोलो तो वैष्णव समझ लेंगे, हम शिव के बोलो तो शैव मान लेंगे, हमारा प्रचार हो गया। उन्होंने सब छोड़ दिया और वेद का अंतिम सूक्त लिया, दैट इज कॉल्ड संगठन सूक्त, संगच्छध्वम संबदध्वम संभो मनांस जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपस। और इस वेद मंत्र का पाठ करने के बाद उन्होंने 4 पूरे ये सूक्त एक बोला, और उसका उद्देश्य था हम सब दुनिया के लोग संगठित होकर के उन्नति करें। आज दुनिया वेद के रास्ते पर चल पड़ी है और हमको उस रास्ते को फिर पकड़ना है, तब हम संसार के विश्वगुरु फिर बन सकते हैं। अब वेद पर इतना काम हो रहा है, वेद में विज्ञान, वेद में फिजिक्स, वेद में वैदिक मैथमेटिक्स तो अब इतना जगह ले चुका है कि अब नए नए बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स के फार्मूले में जो कैलकुलेशन मिस्टेक है वो कभी नहीं होती, होती ही नहीं, वो सिस्टम ही ऐसा है कैलकुलेशन करेक्ट होगा। तो अब वो करना शुरू कर दिया है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों के कैलकुलेशन न्यू सेकंड में होते हैं। तो वैदिक मैथमेटिक्स आ गए, वेद विज्ञान में विमान विद्या पर आजकल बहुत अध्ययन चल रहा है, तो अलग अलग क्षेत्रों में वेद पर काम चल रहा है। वेद में दर्शन पर तो पहले बहुत कुछ काम हो चुका है, वेद के आध्यात्मिक विषय में तो कोई दो राय है ही नहीं। इस प्रकार से वेद को एक व्यापक दृष्टिकोण से, बहुलता के दृष्टिकोण से आप लोग महसूस करेंगे और वेद का आनंद लेंगे। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वेद का दिया है, आशा है आप लोग लाभान्वित होंगे। अब हाँ, अगली कक्षा डॉक्टर शशि प्रभा कुमार, जो मेरे लिए भी बहुत आदरणीय पूजनीय, और सच्चाई बात बता दूँ आपको, मुझे यहाँ लाने वाला कोई व्यक्तित्व है तो वो है। मैं तो दिल्ली छोड़ के भाग गया था, गुरुकुल ज्वालापुर महाविद्यालय में डीन बन के चला गया और वहाँ 3-4 महीने काम किया था कि इनको कहीं मेरा नाम का पर्चा मिल गया, तो उन्होंने कहा इनको फ़ोन करो, और वो मुझे यहाँ ले आए और हम मिलकर के काम कर रहे हैं और हमने ये वेद तक हम पहुँच गए। और ये विचार एक दिन मेरे मन में ही आया था, हमने कहा ये वेद सबके लिए क्यों न किया जाए। तो संदीपनी के जो सचिव थे वो मेरे शिष्य डॉक्टर रूपकिशोर शास्त्री, जो आकर वाइस चांसलर है कांगड़ी विश्वविद्यालय, तो मैंने सोचा उनसे कुछ सिफारिश लगवाऊंगा। मैंने बहन जी को जिक्र किया तो उन्होंने कहा नहीं रूपकिशोर तो अब चले गए वहाँ से, और दिल्लीपाल बैठा वो मेरा चेला है, वो बैठा वो चिंता मत करो। एक दिन निकल गया था अप्लाई करने का, लास्ट डेट निकल गई थी, तो बहन जी ने फोन किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं निकल जाना डेट आप भेजा नहीं, और आपका ये कार्यक्रम शुरू। तो ईश्वर की कृपा है, जो स्वप्न हमने देखा था वो दिन में ही साकार है, ठीक है ना। और आप लोग बहुत भाग्यशाली हूँ, वेद के लिए जीना चाहता हूँ, वेद के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और उस करने का एक अवसर आप लोगों ने दिया है, और आपने इतनी उपस्थिति करके तो मेरे उत्साह को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। अगला लेक्चर उनका होगा, और ज़्यादा संख्या में आइएगा, हम व्यवस्था को दूसरी सोचेंगे, हाँ कोशिश करते हैं। आज कितने लोग हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, वहाँ और नहीं 50 लोग हैं गुरु जी, 50 लोग हैं सर। रजिस्टर में सब आदमी एंट्री कर दिए अपना? नहीं किया, नहीं किया, 50 से ज्यादा है। नहीं नहीं सब आदमी कर दिए, जो नहीं किया वो बताइए। इसलिए मैं क्यों करना पड़ेगा, मैं अपने आँखों पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि ये जो है ना एंट्री हमारे वहाँ जैसे जाएगी, इसलिए आप लोगों को करना पड़ेगा। आपको फोटोग्राफ कुछ करना था ना, आपको ऐसे ही कर लें? ऐसा हाँ ऐसे ही करा कर दीजिए, इधर से इसको ले। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसे खड़े हो जाता हूँ जी, और अभिनय कर देता हूँ। फोटो लेंगे, ये पेपर क्रेज है, फोटो लेना।
हाँ आजकल तो तैयार है, इसकी फोटोकॉपी सबको देंगे। अरे जो जो कर लो, मैं और बना दूंगी, अभी और पढ़ाऊंगा ना, चिंता मत करो। सर एक ग्रुप बना दीजिए, जितना मैंने प्रस्तुति किया है वो सबका सूत्र उसमें है। गोयल जी आप इधर आ जाइए, मैं आप ही करेंगे सर, आप बैठिएगा एक मिनट, फोटोग्राफ करेंगे आपका ग्रुप, ये भेजे जाएंगे वहाँ।